प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर का पठन और व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो पत्र, ये जो गुलाबी नगर जयपुर के बारे में है, ये पत्र द्वारा बताया जा रहा है। और पत्र किसने लिखा है? पत्र लिखा है सारिका ने। सारिका एक लड़की है जो जयपुर गई थी घूमने के लिए, और दो दिन बाद उसने अपनी सखी, या हम कहेंगे अपनी सहेली को, जिसका नाम मीरा है, उसको पत्र लिखा। तो इस पत्र के माध्यम से, पत्र के द्वारा वह मीरा को जयपुर के बारे में बता रही है। तो हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, ये पाठ पत्र की तरह शुरू होता है। इसमें सारिका जो है वो मीरा को पत्र लिख रही होती है। तो सबसे पहले जो पता था वो जयपुर का लिखा गया है, क्योंकि ये पत्र सारिका द्वारा जयपुर से ही लिखा जा रहा। तो सबसे पहले जयपुर लिखा है, उसके बाद जैसा कि आप जानते हो, किसी भी अनौपचारिक पत्र में हम पता लिखने के बाद तिथि या दिनांक अवश्य डालते हैं। तो 25 अक्टूबर का ये लिखा गया पत्र है। उसके बाद सखी मीरा को संबोधित किया गया है, प्रिय मीरा, सस्नेह नमस्ते। तो जो बच्चों, सस्नेह नमस्ते हम अपने बड़ों को भी कर सकते हैं, और अपने बराबर, अपने दोस्त सहेली को ये संबोधन किया जा सकता है, सब सस्नेह नमस्ते। अब हम चलते हैं पत्र पे। इसमें सारिका ने बताया है कि दो दिन उन्होंने जयपुर में क्या क्या चीज़ देखी और क्या क्या चीज़ उसे अच्छी लगी। तो उसने पत्र कैसे शुरुआत की, कैसे लिखा है? हमें जयपुर पहुँचे दो दिन हो गए हैं, तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। तो इसमें उसने बताया है कि वह पत्र को दो दिन बाद लिख रही है। शायद उसने दो दिन क्यों लिया होगा, क्योंकि जब हम पूरी तरह से किसी शहर को देख लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, तब ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। अगर हम पहले ही दिन या कुछ अतिशीघ्रता करें तो शायद वह हम शहर के बारे में उतना अच्छी तरह से ज्ञान ना दे पाए, क्योंकि उस समय खुद आप शहर को जानने का प्रयास कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं। और दिल्ली से जयपुर का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती है। तो सबसे पहला हम किसी नए जगह पर जाते हैं तो मौसम के बारे में अनुभव करते हैं, उसको देखने नहीं जाना पड़ता, उसको खुद ही आदमी स्वयं उसको अनुभव कर लेता है। तो उसने इसीलिए जयपुर के मौसम के बारे में बताया कि 25 अक्टूबर के आसपास दिन तो गर्म ही रहते हैं, और लेकिन रातें जो होती हैं वे ठंडी हो जाती हैं। आपको पता है, ये जो जहाँ रेतीली ज़मीन होती है, राजस्थान में रेतीली ज़मीन है, वहाँ पे रेतीली ज़मीन का यह व्यवहार होता है कि वे बहुत दोपहर में गर्म हो जाती हैं और रात को उतनी ही ठंडी हो जाती है। तो उसने शायद इसी को अपने अनुभव से बताया कि दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से, मैंने बताया कि वहाँ पत्थर और रेत की अधिकता है मिट्टी में, तो इस कारण से शायद ये गर्मी होती है। और सुबह और रातें, तो सुबह और रात में वे ठंडी हो जाती हैं, तो मौसम कैसा हो जाता है, अच्छा। हमने दो दिन में पूरे जयपुर की सैर की, और
जैसा कि सारिका बता रही है, उसने 2 दिन तक जयपुर की सैर की, और जयपुर एक बड़ा शहर है, राजस्थान की राजधानी भी है, और उसको अगर आप ढंग से देखना चाहते हैं और तो आपको 2 दिन लगेंगे। तुम्हें पता ही है जयपुर राजस्थान राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान बच्चों, ये नाम कैसे है? राजस्थान, जैसा कि आपको पता ही है, राज और स्थान, ये 2 शब्दों से बना है। राज जमा स्थान, ये 2 शब्दों से मिलके राजस्थान बना है, तो हम लिखेंगे राजस्थान। तो राज का अर्थ होता है राजाओं, राज का क्या अर्थ होता है? राजा। और स्थान का आपको पता ही है, जगह। असल में राजस्थान में बहुत से राजा थे और वहां बड़े बड़े किले बने हुए हैं, केवल ना केवल जयपुर, आप जोधपुर जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, और भी बहुत से शहरों में वहाँ बहुत से राजपूत राजाओं ने का क्षेत्र था या स्थान था, इसीलिए उसको राजस्थान कहा जाता है, राजाओं का स्थान। राजस्थान अपने किलों के लिए मशहूर है, वहाँ पे देसी पर्यटक जो है या विदेशी पर्यटक राजस्थान के किले देखने आते हैं, वहाँ की इमारतें, राजाओं का जो वैभव होता था, बड़े बड़े राजमहल, बहुत बड़े बड़े किले होते थे, बनाए जाते थे, और अंदाज़ा लगाओ 300 साल पहले 300 350 साल पहले अगर वो किले कितनी मुश्किल से बने होंगे। तो इसीलिए वहाँ के किले जो है हम कहेंगे देखने लायक हैं या दर्शनीय हैं। देखने लायक को क्या कहा जाता है? दर्शनीय, आपने सही कहा। तो इसीलिए अब आपको याद रहेगा राजस्थान, अगर आप जब भी सुनेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि राजाओं का स्थान, राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। तो ये भारत का एक राज्य है, राजधानी है जयपुर। राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है, उसकी राजधानी भी हमारी हम कहेंगे गुलाबी नगर जयपुर। अब इसका रंग गुलाबी। तो जैसा कि उसने बताया है कि जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। अभी गुलाबी रंग कहाँ से आया है? क्या वहाँ गुलाब के फूल होते हैं या वहाँ क्या खासियत है कि इस शहर को गुलाबी नगर बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। यहाँ जिस पत्थर का प्रयोग किया है, पहले स्थानीय जो चीज़ें मिलती थी लोग वही वैसे ही घर बनाते थे। अगर आप असम में चले जाएं, जो हमारे कहेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वहाँ पे आपको लकड़ी के घर मिलते थे, बांस के घर मिलते थे, क्योंकि तो वो अपने घर स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय जो चीज़ें होती थी उन्हीं से मिलके बनाते थे। तो राजस्थान भी उससे अलग नहीं है, वहाँ आपको पता है पत्थरों की बड़ी बड़ी खान है, तो वहाँ वो जो है जयपुर गुलाबी पत्थरों से ही बना है। स्थानीय तौर पे वहाँ के जो लोग हैं या फिर हम कहेंगे जो इमारतें हैं, किले हैं, वे गुलाबी रंग के पत्थर से बनाए गए हैं, और जहाँ भी नज़र जाती है तो गुलाबी रंग नज़र आता है, इसीलिए से गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना है लाल किला, आपने देखा भी होगा लाल किला के जो पत्थर हैं एकदम लाल रंग के, उसको रंगा नहीं गया है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद उस पर लाल रंग लगाया होगा या लाल रंग से पेंटिंग की गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो पत्थरों का स्वयं का रंग होता है। तो ठीक उसी तरह जो जयपुर में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है उनका रंग गुलाबी है, लाल ना होकर गुलाबी है, और
गुलाबी रंग के पत्थर काफ़ी सुंदर लगते हैं। गुलाबी रंग का जो है, जो बनी इमारतें वो बहुत सुंदर लगती हैं, इसीलिए हर जगह गुलाबी रंग के पत्थरों का प्रयोग करने के कारण और अधिकांश इमारतें वहाँ की गुलाबी रंग की हो गई हैं, तो इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। इस नगर की स्थापना 1727 में महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। तो ये है स्थापना, नगर की स्थापना एक नया शब्द है, आपके लिए भी नया होगा। स्थापना मतलब कैसे शहर बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है, शहर को स्थापित किया जाता है, बनाया नहीं जाता। तो एक है आपको ये सब 1727 किसने बनाया था, हम कहेंगे जयपुर की स्थापना में किसके द्वारा की, महाराजा सवाई जयसिंह किसके द्वारा किया गया था, ये नाम जरा ध्यान से देखना है बच्चों। स्थापना मैंने आपको बताया, नगरों की स्थापना की जाती है। जी सर, आपने सुना होगा कि जो मंदिर में मूर्ति होती है वो स्थापित की जाती है, उसी तरह नगरों की भी स्थापना की जाती है, निर्माण करवाया जाता है शुरू में, और इसमें बहुत धन की आवश्यकता होती होगी, पैसों की लगती होगी ज़रूरत, क्योंकि नई नई इमारतें बनानी होंगी। तो इसको किसने कहा बनवाया था, ये जयपुर के ही महाराज थे, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय, इनका नाम है महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय। द्वितीय का अर्थ है दूसरे वाले। अब आते हैं दूसरे वाले, तो पहले कौन थे, तो राजाओं में एक ही नाम पुत्र का या पोते का रखा जाने का चलन भी था। राजाओं में उस दौर में एक ही नाम द्वारा कभी कभी अपने पुत्र का भी वही नाम रखा जाता था, या फिर अपने राजा अपने पोते का नाम भी अपने ही नाम पे रखते थे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पहले वाले हैं और कौन दूसरे वाले हैं, तो उसमें द्वितीय लगा देने से पता चल जाता था कि दूसरे वाले राजा की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय तृतीय ऐसे करके लगाया जाता था, क्योंकि नाम तो अब बदला नहीं जा सकता। तो कभी कभी पिता जो होता था अपने पुत्र का भी अपना ही नाम रख देता था, या फिर जो दादा होता था अपने पोते का भी अपना ही नाम रख देता था। तो इन दोनों नामों में अंतर बताने के लिए हम लोग द्वितीय लगाते हैं कि दूसरे वाले थे। द्वितीय का अर्थ होता है दूसरे वाले। तो इसने जयपुर की स्थापना की थी महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी स्थापना 1727 ईस्वी में। 1727 अगर हम देखा जाए तो ये करीब 350 साल का समय हो गया होगा जयपुर की स्थापना किए हुए। तो हम एक तरह से कह सकते हैं लगभग जयपुर जो शहर था वो 350 साल पुराना है।
और उसकी स्थापना करने वाले का भी नाम हमें पता है, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय। द्वितीय कहना जरूरी है, इससे हमें पता चलता है कि ये पहले वाले महाराज नहीं हैं, ये दूसरे वाले राजा हैं। तो बच्चों ये था हमारा जयपुर के बारे में। अब आ जाते हैं, अब जयपुर की जो इमारतें हैं, मैंने बताया कि जो महाराज थे उन्होंने काफ़ी आलीशान और बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रखी थी, और उनके बारे में हम ज़रा विस्तार से बताएंगे। तो इसी को देखने के लिए देशी विदेशी जो पर्यटक हैं, ना केवल विदेश के बल्कि हमारे देश के भी बहुत से लोग राजस्थान में इसी किलों को देखने जाते हैं, जो कि काफ़ी भव्य है, आकर्षक है, और आज भी हम कहेंगे सैकड़ों वर्ष बाद भी वे उतने ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। तो जयपुर को स्थापित हुए लगभग 350 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो इमारतें हैं आज भी लोगों को भाती हैं, अच्छी लगती हैं, और न केवल देशी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक भी राजस्थान ज़रूर देखने आते हैं। कहते हैं कि पर्यटक जब भी भारत आते हैं, ताजमहल और राजस्थान वो उनकी सूची में हमेशा रहते हैं। किसी और शहर में जाने से पहले भी ताजमहल को देखना पसंद करते हैं, और उसके बाद राजस्थान भी उनकी सूची में ज़रूर होता है। तो हमने देखा, अब आ जाते हैं इनकी इमारतों पे एक एक करके। यहाँ इमारतों की सूची तो बहुत लंबी है और काफ़ी संक्षेप में ही बताया जाए। जैसे सबसे पहले हमने हवा महल देखा, झरोखों से सजी यह 5 मंजिला इमारत। 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। तो ये 5 मंजिला है, और हवा महल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे झरोखे हैं, करीब 3,500 झरोखे हैं शायद कहा जाता है। और इसके अंदर इसके बारे में कि महारानियाँ आगे जो बाज़ार लगता था, जो शाम को बाज़ार लगता था उस समय, तो महारानी जो होती थी वे महल छोड़ के बाहर नहीं आ सकती थी, और शायद वे पर्दा भी करती थी, तो बाज़ार को कैसे देखेंगी? तो इन्हीं झरोखों पे जो होता था, खिड़कियों पे वे बैठ जाती थी शाम को, और बाज़ार की जो चहल पहल होती थी वे दूर से देखा करती थी। तो ये कहा जाता है, तो हवा महल इसीलिए कहा जाता है। एक और नाम कहते हैं कि जो खिड़कियाँ थी, झरोखे थे, इतने सारे झरोखों से हवा आसानी से अंदर आ जाती थी, और उस समय बिजली की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय इमारतों को ठंडा रखने के लिए झरोखों का काफ़ी प्रयोग किया जाता था। झरोखों को आम तरह से हम लोग आम भाषा में खिड़कियाँ भी कहते हैं। तो इनकी जो पत्थर की मोटी दीवारें होती हैं वो बाहर की गर्मी को बाहर ही रहने देती थी, और झरोखों से हवा जब चलती थी तो शायद अंदर के लोग शीतलता का अनुभव करते थे। तो किसी भी आप पुराने इमारत में जाएंगे, आपको झरोखे या खिड़कियाँ ये अवश्य दिखाई देंगी, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, कूलर पंखे नहीं थे, तो खिड़कियों और रोशनदानों के माध्यम से ही घर को ठंडा रखने का प्रयास किया जाता। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। जंतर मंतर हवा महल के पास है। इस वेदशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था, तो इसमें भी इनका निर्माण था जयसिंह ने। राजा वेदशाला होती क्या है? वेदशाला में तारों का, नक्षत्रों का हम कहेंगे अध्ययन किया जाता है, और ये वेदशाला जो थी इसका निर्माण राजा जयसिंह ने किया था, और ये हवा महल के पास में है। तो जंतर मंतर एक वेदशाला है, जंतर मंतर एक वेदशाला है जो कि हवा महल के पास में ही स्थित है,
और जैसा कि वेदशाला का आपको पता है, यहाँ पे ग्रहों का, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपको सूर्य घड़ी भी होती है। सूर्य घड़ी क्या होती है बच्चों? जैसे जैसे सूर्य आसमान में चढ़ता है तो उसकी जो परछाई होती है किसी भी चीज़ की, आपने देखा होगा, वो छोटी होती जाती है। न केवल छोटी होती जाती है बल्कि वो परछाई एक समय भी बताती है। तो जब भी आप वेदशाला में जाएंगे जंतर मंतर, तब आप इस सूर्य घड़ी को अवश्य देखिएगा और इसे एकदम सटीक समय भी पता लगाया जा सकता है। तो एक समय पता करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया होती है। अब हम चलते हैं तो वेदशाला का निर्माण। बच्चों इन जितने नाम आएंगे आपको याद रखना है, और वेदशाला होती क्या है, इसका निर्माण क्या था। तो ये वेदशाला का निर्माण, जंतर मंतर वेदशाला की बात कर रहे हैं, का निर्माण जयसिंह ने किया था, राजा जयसिंह, ये नाम याद रखने हैं। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए, यह बहुत बड़ा है, यहाँ काफ़ी हरियाली है। जंतर मंतर के बाद सारिका रामविलास बाग गए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये कोई बहुत बड़ा बाग होगा, इंग्लिश में आप गार्डन बोलते हैं, और यहाँ काफ़ी हरियाली है, बहुत से पेड़ पौधे हैं। और क्या खासियत है, तो इस बाग के बारे में आप सोचिए, यहाँ रेगिस्तान जैसी जगह में, राजस्थान जगह में जहाँ पानी की कमी रहती है, नगर जो है झीलों के किनारे बसे रहते हैं ताकि लोगों को पानी मिल सके, तो वहाँ पे जो बाग होते हैं वे काफ़ी सुंदर लगते हैं लोगों को उस समय के अनुसार देखा जाए। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी। तो रामविलास बाग की बात की गई है, इतना विशाल है, केवल बाग ही नहीं है, बाग के अलावा वहाँ पे क्या है, मछली घर। मछली घर को आप एक्वेरियम के नाम से भी जानते होंगे, यहाँ पे मछलियों का को रखा जाता है तथा बच्चे मछली घर देखना बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद चिड़ियाघर, आपको पता ही है तरह तरह की चिड़िया होंगी और जानवरों को रखा गया हो, और वनस्पति संग्रहालय भी। वनस्पति संग्रहालय, इसमें तरह तरह के जो पौधे होते हैं, वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे, तो उनके उनका संग्रह किया हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति रामविलास बाग जाएगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा देखने समझने ज्ञान के लिए, मनोरंजन के लिए बाग के अलावा भी क्या मिलेगा, मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय। यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा है, जैसा कि सारिका बता रही थी कि बाग न केवल घूमने के लिए अच्छा है बल्कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ वनस्पति विज्ञान या चिड़िया या मछलियों के बारे में भी जानना चाहता है तो उसका भी वो ज्ञान और आनंद ले सकता है। रामविलास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। इस इन चीज़ों के अलावा एक कला संग्रहालय भी। तो कला संग्रहालय होता क्या है, इसमें जैसे कि राजा महाराजाओं के वस्त्र देखने को मिलेंगे, उनके अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए। जैसे कि आपको पता है पहले कैमरा नहीं हुआ करता था, तो राजाओं महाराजाओं के चित्र चित्रकार द्वारा बनाए जाते थे हाथ से, पेंटिंग से। तो इस संग्रहालय में एक कौन सा संग्रहालय बच्चों, ये है कला संग्रहालय, रामविलास बाग का कला संग्रहालय है। तो यहाँ पे राजा महाराजाओं के वस्त्र मिलेंगे, अस्त्र शस्त्र मिलेंगे और महाराजाओं के चित्र भी रखेंगे। तो महाराजाओं के चित्र आपने देखा होगा, जैसे कि महाराज सराई जयसिंह द्वितीय, तो बाबू प्रथम के भी मिलेंगे, वो पूरी पीढ़ी के चित्र उन्होंने बनवा रखे होते हैं। जितने भी महाराज होते हैं उनकी वंशावली के अनुसार कौन पहले महाराज हैं, दूसरे तीसरे ऐसे करके सभी महाराजाओं के राजाओं के वे अपने किले में चित्र रखे रहते थे। तो आपको कला संग्रहालय में लगभग सभी महाराजाओं के चित्र देखने के लिए मिलेंगे। अस्त्र शस्त्र, वे कैसे लड़ाई करते थे, उनके अस्त्र शस्त्र कैसे होते, तलवारें मिलेंगी,
और सैनिकों द्वारा पहने जाने वाला, हम कहेंगे कैसे कैसे वस्त्र पहनते थे वे, और महाराजाओं के भी वस्त्र काफ़ी आकर्षक होते थे, तो वे सब इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। कौन से किस संग्रहालय की बात कर रहे हैं हम? राम निवास बाग के कला संग्रहालय की बात कर रहे हैं। तो अब हमें पता चल गया राम निवास बाग में चार चीज़ें थी। एक हो गया कला संग्रहालय, दूसरा हो गया वनस्पति संग्रहालय, उसके बाद चिड़ियाघर और मछली घर। तो ये बाग के अलावा हमें चार चीज़ें मिलती हैं। तो यात्री जो है या पर्यटक हम कहेंगे अपनी इच्छा अनुसार, कईयों की कला में दिलचस्पी होती है, कईयों की वनस्पति विज्ञान में दिलचस्पी होती है, तो लोग अपने सुविधा के अनुसार इन जगह पे जा कर के उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो घूमने के लिए तो ये बहुत अच्छा जगह है ही। उसके बाद ही अब दूसरे दिन की बात करते हैं। सारिका ने कहा कि दो दिन उसने जयपुर में घूमा, तो ये राम निवास बाग जो था, पहले दिन उन्होंने क्या क्या देखा अगर हम कहेंगे तो, सबसे पहले उसने हवा महल, उसके बाद में जंतर मंतर, वो भी उसी के पास में था, उसके बाद वे रामविलास बाग, और रामविलास बाग में चारों चीज़ें, चार अलग अलग चीज़ें थी, उसको देखने में समय लगा, और इस कारण वे पहले दिन यही चीज़ देख पाए। अगर हम जल्दी जल्दी में देखेंगे तो हो सकता है उस चीज़ के बारे में ना हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ना हम उसका देखने का अनुभव ही अच्छी तरह से ले सकेंगे। तो एक बार में उन्होंने जयपुर का जो हवा महल था वो देखा, उसके बाद वे ये हवा महल के पास वेधशाला थी जिसका नाम जंतर मंतर था, और जिसे महाराज जय सिंह ने बनवाया था, उसको देखा। उसके बाद वे कहाँ आ गए? राम निवास बाग, और पूरा दिन वे राम विलास बाग में ही रहे। उन्होंने इन चारों चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा और अध्ययन किया। तो ये हम कहेंगे सारिका के पहले दिन का जो वर्णन यहीं तक ही है। तो उसने बड़ा अच्छा बताया, जब पत्र लिख रहे होते हैं तो हमें वही चीज़ क्रम अनुसार लिखी जानी चाहिए कि जो चीज़ पहले देखी। तो ये सारिका ने भी इसका बड़ा अच्छा पालन किया है, तो उसने बड़े प्यार से जो घटनाएं पहले हुई, जैसे उसने मौसम के बारे में बताया, बाद में उसने शहर के ये नाम के बारे में बताया कि गुलाबी रंग क्यों रखा गया, तो उसने क्रमबद्ध तरीके से बताया। जैसे कि अभी वही अगर यही बात अंत में बताती, सब कुछ बताने के बाद कि जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए उसने पहले बताया। और मौसम के बारे में भी ये पहले बताया जाता है, क्योंकि मौसम का जो अनुभव होता है व्यक्ति सबसे पहले कर लेता है, उसको मौसम का अनुभव करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कहीं वो खुद स्वयं अनुभव कर लेता है। तो इसीलिए मौसम का, शहर का नाम, उसके बाद उसने बताया कि हवा महल वहाँ का प्रसिद्ध इमारत है, हवा महल के ही, हवा महल के बहुत पास में ही बताया कि जंतर मंतर भी है। जंतर मंतर एक वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है? वेधशाला। तो उसने हवा महल देखा, दूसरी जो इमारत थी वो वेधशाला थी, जंतर मंतर जिसका निर्माण जय सिंह, महाराज जय सिंह ने कराया था। उसके बाद तीसरा जो था वो राम निवास बाग, और राम निवास बाग में चार देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं। उसने जैसे कि सारिका ने बताया कि पहले मछली घर उन्होंने देखा, उसके बाद चिड़ियाघर देखा, अब उसके बाद ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो दो संग्रहालय हैं। एक है वनस्पति संग्रहालय, जहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो जो जिनकी रुचि पेड़ पौधों में होती है वे उसको अवश्य देखते हैं। और उसके बाद कला संग्रहालय, बहुत से लोगों को कला के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है, खासकर जिसके नहीं भी होता है, महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र और चित्र देखने अवश्य जाता है।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल हम शेष पाठ को की व्याख्या करेंगे।